राम राम भाइयों, आप लोग के साथ बता दें कि अभी भी एक YouTube पे नया फिलहाल आए हैं और आज उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। जैसे कि उनका नाम सचिन मार्कंडे है, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं आप बताइए। हम भी बढ़िया है। अपना YouTube का बारे में बताइए, कुछ कैसा चल रहा है अभी? मेरा YouTube चैनल अभी फिलहाल तो नया है, 125 सब्सक्राइबर हुए हैं, पर काफ़ी अच्छा चल रहा है। सब लोग पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आप लोग की कृपा रही तो और अच्छा जाएगा। आप लोग के जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ा बहुत इनका भी सपोर्ट दिया जाए हमारे तरफ से, आप लोग के तरफ से, क्योंकि अभी भी YouTube पे आए हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। काय की जय श्री राम का बहुत बड़ा भक्त है और हम भी हैं, आप लोग रहिए। ठीक है, आज आइए, इनका इंटरव्यू लेते हैं। स्ट्रगल हमने अपने लाइफ में देखे हैं, क्या वैसा ही आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखे हैं? जी बिल्कुल, हमने आपसे कई ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में। जैसे एक वक्त ऐसा था मेरे घर में 10-10 दिन तक खाना नहीं बनता था, क्योंकि हम लोग 5-स्टार होटल में जाना पसंद करते हैं, घर का खाना हमें अच्छा नहीं लगता और बिरयानी मुझे काफ़ी पसंद था तो डेली मेरा चलता था। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या स्कूल लाइफ कैसी रही है? स्कूल लाइफ देखिए मेरी ऐसी रही है कि मतलब स्कूल ही मेरा अपना था, मेरे पापा का स्कूल था, शहर का सबसे अच्छा स्कूल था, तो हम वहीं पढ़ाई करते थे, तो मेरा कहीं एडमिशन बाहरी स्कूल में नहीं हुआ, यही था मेरा स्कूल लाइफ। और पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं इनके पास क्या आंसर आता है। इतना सब दिक्कत था आपकी ज़िंदगी में, खाने पीने की दिक्कत आई? जी बिल्कुल, खाने पीने के, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर रोटी नहीं बनती थी क्योंकि पापा को रोटी नहीं पसंद, पापा मंचूरियन चाउमीन ये सब खाते थे और हमें तो चिकन पसंद था तो हम चिकन खाते थे, और सभी को अपने अपने हिसाब से बाहर ही खाना पसंद था, तो हम लोग के घर में आटा चावल नहीं रहता था, हम लोग बाहर ही खाते थे 5-स्टार होटल में। तो बहुत स्ट्रगल किया है इस मामले में क्योंकि घर में खाना नहीं बन रहा, आप सोच सकते हैं कितना गरीबी है। बहुत अभी गरीबी चल रहा है। और आइए चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं, दोस्त लोग के साथ आपकी जिंदगी लाइफ कैसी रही? और बता दें कि दोस्ती तो बहुत बढ़कर है, दोस्ती कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। और इनका आंसर देखते हैं क्या रहता है इनका दोस्ती के बारे में। देखिए दोस्ती मेरी इस मामले में मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि सब लोग स्कूल के बस से जाते थे लेकिन मैं सिर्फ अकेला था। बहुत मैं सिर्फ अकेला था जो ने पापा की मर्सिडीज से जाता था स्कूल पढ़ने। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि दोस्तों के साथ स्कूल लाइफ में ही छूट गया, और आगे की जानकारी बताइए। देखिए क्योंकि पापा के पास बहुत पैसा था तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास मर्सिडीज था, पापा को और हमको एसी पसंद, तो बस में हम ट्रेवल करना पसंद नहीं करते थे, स्कूल के बसों में एसी नहीं था तो हमें मर्सिडीज से जाना पड़ता था स्कूल। या आइए अगला क्वेश्चन, क्या आपकी स्पोर्ट खेलते हैं कोई क्रिकेट गेम या कोई भी? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स मेरा इतना अच्छा है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रणजी प्लेयरों के साथ खेलता हूँ क्रिकेट, मैं वहाँ बॉलिंग भी और ओपनिंग करता हूँ, बैटिंग भी ओपनिंग करता हूँ, मैं फास्ट बॉलर भी हूँ, स्पिनर भी हूँ, फील्डर भी हूँ, विकेट कीपर भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ऑलराउंडर है। अगर आपकी क्रिकेट में अगर कहीं भी मैच हो अगर बुलाना हो तो? जी बिल्कुल बुला सकते हैं, मैं दिन रात बेरोजगार नल्ला हूँ, बिल्कुल मुझे बुला सकते हैं। और हारने के चांस इनसे भी उम्मीद रखिएगा। हाँ, क्योंकि हम काफी रणजी प्लेयरों के साथ खेले हैं हम अपना क्रिकेट लाइफ जिंदगी भर, और सब कुछ हमको आता है, लेग स्पिन भी, ऑफ स्पिन भी, फास्ट भी, स्विंग भी, सब कुछ आता है, बैटिंग में तो मैं ओपनर हूँ। आइए अगला क्वेश्चन,
आपके इंस्टाग्राम पर कोई है या? ये बात पर मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। जैसे मैं इंस्टा क्रश की बात आपने करी कि इंस्टा क्रश मेरी कौन है, जैसे मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, काफी लड़कियों को बुरा लग जाएगा। अच्छा, लेकिन इंटरव्यू है तो बोलना तो पड़ेगा, जरूर बोलना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लड़कियाँ इतना मेकअप लगाती हैं, सब एक जैसी लगती हैं, हमें कोई पसंद ही नहीं है, क्योंकि सब पाउडर थोप के रहती हैं, किसे पसंद किया जाए, मेकअप के पीछे कुछ और निकलेगा क्या? बात सही मैंने बोला कि नहीं आपको? इसीलिए मुझे कोई इंस्टाग्राम क्रश नहीं है मेरी, यही जरूरी है। हमने भी नहीं की है काई भी, हमने भी किसी पे किया था, पर मेकअप के आगे कोई तो दिखेगा नहीं, पीछे हाँ। उसका क्या है क्या नहीं है हाँ। सिर्फ मेकअप लगाने के बाद तो पापा की परियों की तरह उठने लगती है हाँ। उनका सुंदरता नहीं है, सिर्फ मेकअप है, सिर्फ मेकअप है, बस मेकअप अगर धुल गया तो सुंदरता भी खत्म, सब खत्म। आपका अभी का पसंदीदा गाना अच्छा कौन सा ट्रेंडिंग? देखिए, मेरा सबसे पसंदीदा गाना अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम पर, एक गाना है ऑब्सेस्ड करके, तो यही मेरा पसंदीदा गाना है। अच्छा, आप सुनना चाहेंगे तो कैमरामैन थोड़ा सा गाना भी जैसे कि अभी भी आप मेरे साथ हैं जी, और आप सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ दर्शकों के साथ। आपको एक जानकारी सूचना बता दूं कि सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, फिर भी आप देखिए, मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लें, मेरे बाप ना बनो तो आप इंटरव्यू लें। इसमें ऐसा कोई सवाल ही नहीं गलत मैंने पूछा, मैंने तो सेहत के लिए बताया आपकी सेहत। एक तो आप मुझे ऐसे जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं मुझसे, और आप उठपटांग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। हमने तो ये मेरा हक है पीने का, और मैं पीऊँगा, आप मुझे टोकिए मत, आप इंटरव्यू लीजिए। हमने तो अच्छी बात बोली, और आपकी जो मर्जी आपकी लाइफ में जी जी बिल्कुल, आप इंटरव्यू लें कृपया करके। अब मैं बता दूं कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी हवा भी आ रही है, यहाँ पे बैकग्राउंड भी अच्छी आ रही है, इसके कारण मैंने ये प्लेस चूज किया है। चलिए, इनका मर्जी, सिगरेट पिए चाहे कुछ और पिए, हमसे क्या मतलब, हम तो आइए अगला क्वेश्चन के लिए। आपने जितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, आप तो शायर होने ताकि यूट्यूब पे भी आए हैं, आप वो देखा तो भी शायरी कर दूंगी। देखिए, शायरी का मुझे बहुत शौक़ है, और मैं एक शायरी आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा। जी जी, तो शायरी ये है कि बादल गरजे शेर के साथ, बारिश हुई जोर के साथ, बादल गरजे शेर के साथ, बारिश हुई जोर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा संभाल कर रखो, क्योंकि ठंड के मारे कहीं सो ना जाए किसी और के साथ। देख लेना भाईयों अपनी गर्लफ्रेंड को कही, शायरी बहुत ही अच्छी मैंने कही है, तो ये शायरी बहुत ही आप समझ सकते हैं। अच्छा, चलिए आप बोलिए अपना, आप जरा मुझे टाइम देख के बताएंगे कितना हुआ, क्योंकि मेरे पास जो सोने की घड़ी थी मैंने घर पर छोड़ दी। अभी तो 10 बजे मुझे मेरे काम के वक्त हो गया है, जरूरी अभी ये बिजी आदमी है, जाकर ये अपना वीडियो शूट करेंगे, और मेरे इंटरव्यू आपके लेने के लिए थैंक यू, आपने वक्त निकाल कर हमारे ऑफिस में जो आए, अच्छा सा प्लेस और जी जी थैंक यू जुड़ने के लिए, इनको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे धन्यवाद, और मेरे कैमरामैन रकीब की तरफ से भी जी सबको धन्यवाद। मैं मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, मैंने अपनी बातें रखी, मुझे बड़ा पसंद आया, ऑडियंस को भी शायद पसंद आ जाए तो पसंद अच्छा ही आना है, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू है हाँ। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।